वेलकम बैक टू शिवाशी ब्लॉग। तो आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। तो यहाँ पे हमने ले लिए सूजी और प्योर देसी घी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं सूजी का हलवा बनाना। तो फटाफट से मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर दी है और अब मैंने गैस कढ़ाई को गर्म करके अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड करूँगी। देसी घी में हलवा बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी हलवा लगता है, बहुत ही टेस्टी स्वाद आता है हलवे का और बहुत ही अच्छा लगता है। तो फटाफट से मैंने इसमें देसी घी ऐड कर दिया है। अब फटाफट से देसी घी को हम गर्म होने देते हैं। तो पहले पूरे अच्छे से मैंने कढ़ाई में देसी घी घुमा दिया है जिससे कि खूब तेज़ गर्म हो जाए। और आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ धुआं निकल रहा है, मेरे कढ़ाई कुछ ज़्यादा ही तेज़ गर्म हो गई है। अब मैं इसमें जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें सूजी ऐड करूँगी। तो आप लोग इसको लो फ्लेम पर ही गर्म करिएगा, उसके बाद आप इसमें सूजी ऐड करिएगा। तो फटाफट से घी डालना है आपको कढ़ाई में और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, उसके बाद हमें इसमें सिंपल सूजी ऐड करनी है। तो मैंने घी में सूजी ऐड कर दी है। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी लिया है और 1 कटोरी सूजी ली है। 1 कटोरी सूजी का हलवा 3 से 4 लोगों के लिए काफ़ी होता है। तो हम थोड़ा सा गीला गीला हलवा बनाएंगे। तो फटाफट से मैंने सूजी भूनना स्टार्ट कर दिया है। हमें घी में सूजी डाल के और सूजी को धीरे धीरे करके भूनना है फटाफट से। तो खूब अच्छे से आप सूजी भूनते रहिएगा, सूजी को छोड़िएगा मत। अगर आप सूजी भूनना छोड़ देंगे या फिर कड़छी चलाना छोड़ देंगे तो सूजी जल जाएगी, इसलिए आप उसको भूनते रहिएगा कंटिन्यूस। और ये देखिए अभी ये वाइट है, जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता तब तक आपको सूजी को भूनना है लो फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर मत भूनिएगा क्योंकि सूजी फिर कहीं कहीं से जल जाएगी और कहीं कहीं से कच्ची रह जाएगी। तो हमें इक्वली सूजी को भूनना है, इस वजह से मैं बिल्कुल एक जैसा ही चला रही हूँ। आप देख सकते हैं कंटिन्यूस मैं इसको चला रही हूँ, जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। तो इसका ब्राउन होने का वेट करते हैं। तो अब देखिए मैंने सूजी को भूनते भूनते मेरी सूजी थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन होने लगी है, हल्की हल्की सी। हमें सूजी को बिल्कुल अच्छे से ब्राउन करने तक भूनना है, जब तक ब्राउन नहीं होगी तब तक हलवा अच्छा नहीं बनेगा। तो खूब अच्छे से ब्राउन करने तक आप सूजी को भूनते रहिए। तो देखिए मेरी हल्की हल्की सूजी ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है और जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगी, अच्छा सा कलर आ जाएगा इसमें, फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ मेरी सूजी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है खूब, अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। आपने अगर 1 कटोरी सूजी ली है तो आपको इसमें 1 ग्लास या 1.5 ग्लास वाटर ऐड करना है। 1.5 ग्लास वाटर ऐड करिए अगर आपको गीला गीला हलवा चाहिए। अगर आपको सिंपल बिखरा बिखरा हलवा चाहिए, गीला हलवा नहीं चाहिए, तो आप इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर सकते हैं। तो फटाफट से मैंने सूजी में पानी ऐड कर दिया है खूब अच्छे से और मैंने इसको अच्छे से चला दिया जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। खूब अच्छे से आपको पानी को चला देना है। आप देखिए मैंने इसमें इतना पानी ऐड करा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरी सूजी का कलर भी आप लोग देख सकते हो कि ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी। 1 खोला लेने के बाद जब इसमें 1 खोला आ जाएगा, मतलब ये बॉयल हो जाएगी थोड़ी सी सूजी पानी में, उसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। चीनी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 5 से 6 चम्मच क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा मीठा हलवा खाया जाता है। चीनी ऐड कर दी है मैंने इसमें, अब मैं इसे अच्छे से चला दूँगी जिससे चीनी अच्छे से घुल जाए खूब। और इसके बाद खूब अच्छे से इसको चलाने के बाद मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। आपके सूजी में लम्स नहीं पड़ने चाहिए इसलिए आपको इसको चलाते रहना है। तो ये देखिए मेरी चीनी मैंने इसमें डाल दी और अब इसमें हल्का हल्का बॉयल होने लगा है। इसको हम ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। आप इसे लो फ्लेम पे ढक दीजिए जब तक इसका पानी खूब अच्छे से सूख नहीं जाता। उसके बाद मैंने यहाँ पे इलायची ली है, छोटी वाली इलायची लेनी है आपको और उसको कूट लेना है और इलायची के जो दाने हैं उसको निकाल लेना है। इलायची के दानों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो मैंने अभी इलायची के दाने इसमें ऐड कर दिए हैं। जब एक बार इसमें बॉयल हो जाएगा ये, उसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गोला लेके इसे घिस लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ बादाम लिए हैं। बादाम मैं फटाफट से बारीक बारीक काट लूँगी। आप बादाम भून के भी डाल सकते हैं देसी घी में, आप इसे रोस्ट कर लीजिए उसके बाद भी आप बादाम ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल ऐसे ही ऊपर से भी बादाम डाल सकते हैं। हमारे यहाँ रोस्ट करे हुए बादाम नहीं खाए जाते हैं इसलिए मैं इसे बारीक 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 कट करके ऊपर से ही सूजी के हलवे में ऐड करूँगी। तो फटाफट से बादाम मैं देख लीजिए कितने बारीक बारीक कट कर रही हूँ। 1 बादाम के 3 से 4 टुकड़े आप कर लीजिए। सिंपल सा आपको गोला लेना है, अगर आपके यहाँ गोला खाया जाता है तो गोले को अच्छे से घिस लीजिए और गोले का बुरादा बना लीजिए, या फिर आप गोले का बुरादा भी आता है मार्केट में वो भी ले सकते हो अगर आपको गोला घिसना नहीं है। और बादाम ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक आपको कट कर लेने हैं। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा बढ़िया यम्मी टेस्टी सूजी का हलवा बन के तैयार हो गया है। ऊपर से मैंने इसमें जो बादाम कट करे थे वो डाल दिए हैं, जो गोले का बुरादा मैंने घिसा था
वो ऐड कर दिया और यहाँ पे मेरा बढ़िया सा टेस्टी सा हलवा बन के तैयार हो गया। अगर आपको भी पसंद है सूजी का हलवा तो आज ही घर पे बनाइए। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरी हलवे की रेसिपी कैसी लगी, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो नीचे दिए बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पहले से ही चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरे को इंस्टाग्राम शिवाशी2815 पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।